नमस्कार दोस्तों, 12,460 शिक्षक भर्ती का अंत होता दिख नहीं रहा है। लगातार एक पर बाद एक बार एक झटका देखने को मिलता है और एक बार फिर से एक नया झटका मिला। आप सभी को जानकारी होगी कि डीके उपाध्याय सर पहले भी इस मामले को सुन चुके हैं, लेकिन उनके साथ में जो उनके साथी जज साहब थे उन्होंने भी इस मामले को सुना था, इसलिए अब चांसेस थे कि जब भी कोर्ट इस मामले को सुनेगी जल्द आगे मामला बढ़ेगा। लेकिन ये प्रक्रिया शुरू होती ही और अभी अभी उस पर आगे की डेट तो मिली ही नहीं है, वो मिलेगी अगले वीडियो में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ही बड़ा बदलाव हो गया, बड़ा झटका लग गया। ये देखिए तेरह मार्च ठीक है, अब 13 मार्च से कोर्ट बैठने वाली, क्योंकि होली का यहाँ पर छुट्टी हो रहा है। अब 13 मार्च से जब आप कोर्ट नंबर यहाँ पर 2 में आएंगे, देखिए ये कोर्ट नंबर 2 में जब आप आएंगे तो देवेंद्र कुमार उपाध्याय सर, यानी डीके उपाध्याय सर तो बैठ रहे हैं, लेकिन इनके साथ अब ओम प्रकाश शुक्ला सर बैठेंगे। जी हाँ, स्पेशल अपील देखिए यहाँ पर, ये सुनेंगे सारी। अब यहाँ पर ओम प्रकाश शुक्ला सर बैठेंगे। अब इनके बैठने से नुकसान क्या हुआ, झटका क्या लगा, अब जो मामला है वो दोबारा से शुरू से सुना जाएगा। जी हाँ, दोबारा से सुना जाएगा। और देखिए यहाँ पर पोस्ट के माध्यम से भी जानकारी देखने को अब मिल चुकी है कि अब जो सभी पक्ष हैं, चाहे वो डबल एजी सर हों, चाहे वो अन्य कोई भी अधिवक्ता हों जिन्होंने अपनी बातों को रख दिया था, उन सभी अधिवक्ताओं को अब दोबारा से बहस करनी होगी, दोबारा से अपनी बातों को रखना होगा। ठीक है, क्योंकि पहले जो जज साहब बैठे थे वो यहाँ पर हट चुके हैं, जो कि ओम प्रकाश शुक्ला सर यहाँ पर अब उनकी जगह पर आ चुके हैं। पहले सुभाष सर यहाँ पर बैठ रहे थे। तो फिलहाल अभी डेट को लेकर जानकारी नहीं आई है, जैसे शाम तक आएगी उसकी जानकारी हम अलग से